सदगुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ कवर कर रही हूँ। एक तो मैं आपको बताऊँगी कि जो सूर्य देव हैं, जिनको साक्षात भगवान ही माना जाता है, जब प्रत्यक्ष हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष अगर भगवान को किसी रूप में देखना है तो आप सूर्य की आराधना करिए, तो सूर्य देव के बारे में श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आज मैं आपको जो 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य हैं, वो 12 महीनों के अंदर किस तरीके से, कौन से महीने में कौन सा सूर्यदेव होते हैं और वो क्या कैसे किस प्रकार से वो अपने रथ में यात्रा करते हैं, आज मैं आपको एक तो ये बताऊंगी। दूसरा आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भगवान विष्णु हैं, मतलब ये कथा जब शौनक आदि ऋषि जो थे, शौनक जी जब सूर्य से ये प्रश्न करते हैं कि जो जो ध्यान में जो लोग बैठते हैं, जो ऋषि ध्यान करते हैं, जब ध्यान मुद्रा के अंदर वो ऋषि भगवान का जो रूप है उसको किस किस प्रकार से इमेजिन करते हैं, तो ये चीज़ बहुत आज ये वाला जो जो सोच है उनकी, ये हमारे ऊपर भी लागू हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन जब हम लोग में सब करने बैठते हैं तो हम कोई ना कोई म्यूज़िक ऑन कर देते हैं और इमेजिनरी वर्ल्ड में जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपको वो इमेजिनरी वर्ल्ड में, जो भागवतम में जो इमेजिनरी वर्ल्ड दे रखा है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से आप वो सुप्रीम पावर को इस पूरे यूनिवर्स में इमेजिन कर सकते हो। तो ये भागवतम में जितना बता रखा है वो मेरे लिए, अपने लिए पर्सनली मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया और मैं उसको फॉलो करके जब मेडिटेशन करती हूँ तो मतलब वो बहुत ही एक बहुत अच्छा सा भगवान के साथ कनेक्शन मैं बिठा पाती हूँ अब तो। बट आज आपको अगर मैं चाहती तो इस आज के एपिसोड के अंदर मैं सिर्फ आपको लिखा हुआ रीड आउट कर सकती थी, एक पैराग्राफ था तो मैं आपको रीड आउट करती और अपना एपिसोड, अपना नेक्स्ट एपिसोड पर मैं जा सकती थी। मगर आज स्पेशली मैंने आपके लिए इस पूरे बोर्ड पर भगवान विष्णु की फ़ोटो बनाई है, मतलब पूरा भगवान विष्णु क्रिएट करे हैं और सब चीज़ें उनके आस पास बताई कि किस प्रकार भगवान विष्णु जो हैं वो त्रिलोकी में, पूरे के पूरे त्रिलोकी में बसे हुए हैं भगवान। तो उसके लिए मैंने ये देखिए आप यहाँ पर, ये मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पर बनाया है, इसके अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये भगवान विष्णु मैंने बनाए हैं और अगर आप इस चीज़, इस डायग्राम को अगर आप समझ पा रहे हैं, जो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है, स्पेस कम होने की वजह से मैं उतने अच्छे के तरीके से उसको एक पिक्चर के रूप में ला नहीं पाई। जैसे मैंने ये सर्कल्स जो बनाए हैं, ये मैंने उसके आसपास डॉट्स डाले हैं, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो मैंने अपनी और पहले वीडियोज़ बना रखे हैं जिसके अंदर मैंने पूरा यूनिवर्स बता रखा है कि कैसे कैसे ऊपर ये लाइन्स जो ड्रॉ करी हैं मैंने आसपास, ये सारे लाइन्स जितने हैं ऊपर के लोग दिखाए हैं, जगह कम होने की वजह से अर्थ मैंने यहाँ पर दिखाई है, पृथ्वी, बट ये जो लाइंस दिखाई हैं ये बेसिकली मुझे पृथ्वी के नीचे दिखाने थे, ये बाकी के नीचे के लोग थे, अर्थ से लेकर जितने भी बीच बीच में है ये सारे के सारे मैंने प्लैनेट्स दिखाए हैं। और यहाँ दिखाया है ये सूर्य घूम रहा है, ये सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं ये सब के सब इस तरीके से आस पास करके पूरे यूनिवर्स में ऐसे करके घूम रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को इस यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी है इस डायग्राम के से कि जो भगवान विष्णु है, जो भगवान का रूप जो हम मानते हैं, भगवान विष्णु जो है वो त्रिलोकी में छाए हुए हैं, मतलब पूरा ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु ही हैं। और जो भगवान के नेत्र जो हैं वो किसी चीज़ को सिंबल करते हैं, भगवान के होठ किसी चीज़ को, भगवान की वनमाला किसी चीज़ को। तो इस तरीके से ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रकृति है, ये पूरी की पूरी प्रकृति ही जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप है और इसी को ही इमेजिन करके हम मेडिटेशन कर सकते हैं, और या उस समय के जो ऋषि मुनि थे इस तरीके से इमेजिन करके वो ध्यान क्या करते थे। तो जैसे मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, जैसे जब सुखदेव जी सूर्य से पूछते हैं कि हम भगवान विष्णु का किस तरह से ध्यान कर सकते हैं, उनके कौन से अंग प्रत्यंग जो है उनको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं इस पूरी प्रकृति में, तो सूर्य जी उन्हें बताते हैं कि प्रकृति, सूतात्मा, महतत्व, अहंकार, पंच तन मात्रा, 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से हुआ है। किसका कौन बने हैं? भगवान, मतलब इन 16 विकारों से भगवान है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है, जो हम विराट रूप की बात करते हैं, ये भगवान का विराट रूप है, भगवान का पुरुष रूप है।
अब विराट पुरुष कौन है? विराट पुरुष में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, ये पूरा विराट पुरुष है। तो विराट पुरुष का मस्तक कुछ है और उसके चरण कहीं तक हैं, तो ये पूरी त्रिलोकी में भगवान ही हैं। स्वयं भगवान जो हैं वो अजन्मा हैं। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। जैसे ब्रह्मलोक को ही मुकुट रूप में धारण करते हैं कौन? भगवान। जो ब्रह्मलोक है उसको भगवान मुकुट रूप में धारण करते हैं। तो अगर आपने ब्रह्मलोक को इमेजिन करना है तो भगवान के मुकुट को इमेजिन करिए कि जो भगवान का मुकुट इतना विशाल होगा कि वो ब्रह्मलोक जैसा उनका मुकुट की तरीके से है। तेज सत्व रूप सुदर्शन चक्र है, जो तेज है वो भगवान का सुदर्शन चक्र है। बादल ही सिर पर उगे हुए बाल हैं भगवान के। स्वर्ग जो है वो मस्तक है, भगवान का मस्तक को आप इमेजिन करिए कि वो ही जो मस्तक है वो स्वर्ग है। सूर्य जो है भगवान के नेत्र हैं। यमराज भौएं हैं। वायु नासिका है। दिशाएं कान हैं। मन ही रथ है। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। इसी प्रकार भगवान जल तत्व रूप पंचजन्य शंख धारण करते हैं। जो जल हमारे पूरे 5 एलिमेंट्स में से जो जल एलिमेंट है, जो जल है वो भगवान जो है वो उसको शंख के रूप में भगवान उसको धारण करते हैं। लज्जा ऊपर का होठ, लोभ नीचे का होठ है। चंद्रमा की चांदनी दंतावली है। कितना सुंदर, बहुत आप इसको जितना जैसे मैं बोलती जा रही हूँ इसको इमेजिन करिए और तो आप कितना आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मतलब इस पूरा प्रकृति को अगर आप देखते हैं तो ये प्रकृति ही जो है वो सारे के सारी भगवान का ही एक रूप है। भ्रम मुस्कान है। वृक्ष जितने पृथ्वी पर जो वृक्ष हैं वो वृक्ष जो हैं वो उनके रोम हैं। तीनों गुणों वाली माया को वो वनवाला के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है। आ ऊ और माँ को यज्ञोपवीत के रूप में वो धारण करते हैं। मतलब हम कहते हैं ओम जो है वो ओम जो है वो पूरे ब्रह्मांड के एक एक सिंगल ऐसे साउंड है ओम की जो इस पूरे ब्रह्मांड को पहचानती है। तो वो उस साउंड को भगवान तो यज्ञोपवीत की तरह से धारण करते हैं। जो लोकपाल गण हैं वो उनकी भुजाएं हैं। अंतरिक्ष उनकी नाभि है। तो आप ये इमेजिन करिए कि जो भगवान के विराट रूप भगवान का इस पूरे ब्रह्मांड में कितना बड़ा भगवान का रूप है कि जो अंतरिक्ष है वो उनकी नाभि में समाया हुआ है। मतलब नाभि को अगर भगवान की देखो तो वो अंतरिक्ष जैसी है। प्रजापति लिंग हैं। आपने जब हमने प्रजापति की बात करी है तो हमने जैसे जो दक्ष प्रजापति थे उनके बाद उनके वंशज ने काफ़ी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे आगे जो पीढ़ियां चलती आई थी, इसलिए प्रजापति लिंग है। मृत्यु गुदा है। समस्त ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य ही लीला रूपी कमल है। मतलब कमल जो है भगवान का, ये सब जितना भी मैंने आपको नाम बोले ये सारे के सारे कमल के रूप में आप इमेजिन करके देखिए, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। निर्मल आकाश स्वरूप खड़क, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शार्डिंग धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं भगवान। मतलब निर्मल आकाश रूप उनका खड़क है, तमो में अज्ञान रूप वो ढाल लेकर लिए हुए हैं, काल रूप शांग धनुष और कर्म का ही तरकस धारण करते हैं भगवान विष्णु। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। भगवान की उनसे कभी ना बिछड़ने वाली आत्मशक्ति का नाम ही लक्ष्मी है। भगवान ही वेदों के मूल कारण है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है। मतलब जब इंसान अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है तो हमको किसी और दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि ही जो है वो मंत्रों की दीक्षा लेने के बराबर होती है। अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। भगवान के गुण महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंदन आदि द्वारपाल कहते हैं। जितने भी अष्ट सिद्धि से युक्त भगवान हैं उनके गुण हैं उनकी महिमाएं हैं
उन सबको जो इमेजिन करा गया है वो नंद और सुनंदन जो भगवान के द्वारपाल हैं उसकी तरह से कहा गया कि भगवान के जो द्वारपाल नंद और सुनंद हैं वो भगवान के गुण महिमा और अष्ट सिद्धियों के प्रकार से हैं। स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में उपस्थित हैं। छंद को पीताम्बर के रूप में धारण करते हैं। मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप गदा भगवान धारण करते हैं। मतलब भगवान की जो गदा है उसके अंदर उतनी शक्ति है जो मन और शरीर और इंद्रियों के अंदर शक्ति होती है। और साथ में नीचे यहाँ लिखा है मैंने पृथ्वी इस विराट रूप के चरण हैं। मतलब अब यहाँ पर आप देखिए, मैं ये बताना चाह रही थी कि भगवान का जो विराट रूप जो है उनका जो मस्तक है वो स्वर्ग है और उनके जो चरण हैं वो पृथ्वी है। तो ये त्रिलोकी जो है भू भुवा स्वाहा मतलब भूमंडल, भुवाहा मतलब अंतरिक्ष और स्वाहा मतलब स्वर्ग लोग, भू भुवा स्वाहा ये पूरे के अंदर भगवान ही हैं और ये पूरी यूनिवर्स जो है ये एक तरह से हम भगवान के रूप में हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे बादल जो हैं उनकी मुस्कान को हम इमेजिन करो, उनकी दंतावली को बहुत अच्छा लगा, चंद्रमा की चांदनी ही उनकी दंतावली है। भ्रम जो है वो मुस्कान है, वो भ्रम पैदा करने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पर और जैसे लोभ लिखा था, लोभ नीचे का होठ है और लज्जा ऊपर का होठ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर इमेजिन करते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ पुरुषोत्तम भगवान के इस वर्णन का, जो मनुष्य चित लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा उसे ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। आइए अब मैं आपको सूर्य देवता के बारे में बताती हूँ। जैसे ये मैंने पूरा बनाया है कि जो सूर्य देवता हैं ये सारे सूर्यों के नाम लिखे हैं, कौन ये सारे महीनों के नाम लिखे हैं और कौन कौन उनके साथ चलता है, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। भगवान सूर्य ही लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। तो गण कौन से हैं, ये सारे उनके गण हैं। कौन कौन से गण हैं, जैसे अप्सरा, राक्षस, सर्प, यक्ष, ऋषि, गंधर्व, ये सारे गण जो हैं हर महीने के अंदर भगवान के साथ, हर मास के अंदर अलग अलग नामों के साथ ये गण जो हैं उनके साथ भगवान के रथ के साथ चक्कर चलाते हैं, के साथ चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य कौन, पहला सूर्य कौन सा है, धाता, ये चैत्र मास मतलब अप्रैल के मंथ में होते हैं। धाता जो चैत्र मास में धाता सूर्य होते हैं उनमें अप्सरा, उनके साथ अप्सरा कौन से होती हैं, कृतस्थली, राक्षस हेती, सर्प वासुकी, यक्ष रथ कृत, ऋषि जो हैं पुलसत्य और गंधर्व जो हैं तुम बुरु होते हैं। उसके बाद बैसाख महीने में अर्यमा सूर्य होते हैं, उनके जो अप्सरा है उनके साथ जो चलती हैं वो पुंचिकर स्थली, राक्षस प्रहेती, सर्प कच्छ नीर, यक्ष अथोजा, ऋषि पुलह और गंधर्व नारद होते हैं। ज्येष्ठ महीने के अंदर सूर्य होते हैं मित्र सूर्य होते हैं, अप्सरा उनके साथ मेनका चलती हैं, राक्षस जो होते हैं पौरुषे होते हैं, सर्प तक्षक होते हैं, यक्ष रथ सवन स्वन, ऋषि अत्रि और गंधर्व हाहा। उसके बाद आते हैं आषाढ़ महीने के अंदर जो सूर्य हैं वो वरुण हैं, उनकी अप्सरा रंभा, राक्षस चित्र स्वन, सर्प शुक्र है, यक्ष जो है सहजन्य, ऋषि वशिष्ठ और गंधर्व हुहु होते हैं। उसके बाद श्रावण मास के अंदर सूर्य होते हैं इंद्र, उनकी अप्सरा प्रमलोचा, राक्षस वर्य, सर्प एलापत्र, यक्ष श्रोता, ऋषि अंगिरा और गंधर्व विश्व वसु होते हैं। उसके बाद भाद्रपद महीने में विवस्वान सूर्य होते हैं, अप्सरा अनुमलोचा होती हैं, राक्षस व्याध्र होते हैं, सर्प शंखपाल, यक्ष आसार, ऋषि भृगु और गंधर्व उग्रसेन होते हैं। माघ मास के अंदर सूर्य पूषा हैं,
अप्सरा धृताची, राक्षस वात, सर्प धनंजय, यक्ष सुरुचि, ऋषि गौतम और गंधर्व सुषेण होते हैं। फाल्गुन मास के अंदर सूर्य पर्यजन्य, अप्सरा सेंजित, राक्षस वर्चा, सर्प एरावत, यक्ष कृत, ऋषि भरद्वाज, गंधर्व विश्व होते हैं। मार्गशीर्ष मास के अंदर सूर्य देवता का नाम अंशु है, अप्सरा जो है उर्वशी हैं, राक्षस विद्युत छत्रु, सर्प महाशंख, यक्ष ताक्षर्य, ऋषि कश्यप और गंधर्व ऋतसेन हैं। पौष मास के अंदर सूर्य देवता भग हैं, अप्सरा पूर्व चित्ती, राक्षस स्फुर्ज, सर्प करकोटक, यक्ष ऊर्ण, ऋषि आयु और गंधर्व अरिष्ट नेमी हैं। उसके बाद अश्विन मास में तो अष्टा सूर्य हैं, अप्सरा तिलोत्मा, राक्षस ब्रह्मपेत, सर्प कंबल, यक्ष शतजित, ऋषि जमदग्नि और गंधर्व धृतराष्ट्र होते हैं। उसके बाद कार्तिक मास के अंदर सूर्य देव विष्णु होते हैं, अप्सरा रंभा होती हैं, राक्षस मेखा पेत होते हैं और सर्प जो है अश्वतर, यक्ष जो है सत्यजित, ऋषि विश्वामित्र और गंधर्व जो है वो सूर्य वर्चा होते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि तो ऋग यजुर और साम के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये तो मैंने बता दिया कि ये महीने हैं, ये सारे के सारे सूर्य हैं और इनके साथ भगवान के रथ के साथ कौन कौन चलता है। तो ये जो अप्सराएं क्या करती हैं चलते हुए, राक्षस सर्प यक्ष ऋषि गंधर्व, ये भगवान के रथ के साथ जब चल रहे होते हैं तो वो क्या करके चल रहे होते हैं, अब मैं आपको वो बता रही हूँ। जैसे ऋषि जो हैं वो ऋग यजु और सामवेद के मंत्रों के द्वारा उनकी भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं उस समय, और गंधर्व जो है उनके यश का गान करते हैं। नाग गण जो है रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्ष गण रथ की साज सजाते हैं और राक्षस उसे पीछे से धकेलते हैं। वालखिल्य नाम के 60,000 ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति करते हुए चलते हैं। मतलब 60,000 जो ब्रह्म ऋषि हैं वालखिल्य नाम के, वो भगवान सूर्य के रथ की तरफ अपना मुंह करके उनके आगे उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं। इस प्रकार भगवान लोकों का पालन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि सूर्य के रथ किस तरह से, मतलब सूर्य के रथ के साथ ये सब चल रहे होते हैं, तो सूर्य के देव का जो रथ है उसकी डायमेंशंस क्या हैं और वो कैसे चलता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको वो बता रही हूँ। सूर्य देव के रथ में बैठने का स्थान 26,00,000 योजन लंबा और 9,00,000 योजन चौड़ा है। उनके सारथी का नाम अरुण है। गायत्री छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं उनके रथ के साथ, गायत्री मंत्र के नाम जैसे 7 घोड़े जुते हुए हैं। उनके सारथी सूर्य देव की ओर मुंह करके ही बैठते हैं। उनके सारथी कौन है? अरुण, और अरुण भी सूर्य देव की ओर मुंह करके ही उस रथ को चलाते हैं। भगवान सूर्य भूमंडल के 9,81,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। मतलब जो भगवान के सूर्य देव के जो रथ का जो अंदर का जो एरिया जिसके अंदर वो घूमता है उनका रथ, वो 9,81,00,000 योजन लंबा है। उस घेरे का जो हर क्षण जो है प्रत्येक क्षण में वो 2 योजन की दूरी पार करते हैं उस रथ में बैठकर। तो इस प्रकार आज मैंने आपको जो भागवतम में दे रखा है कि भगवान का जो विराट रूप है वो किस प्रकार से इस पूरे त्रिलोकी में फैला हुआ है, और जो हमको अपने प्रकृति के अंदर प्राकृतिक चीज़ें दिखती हैं वो सारे के सारे भगवान का ही एक रूप है। और सूर्य देवता के बारे में मैंने आपको आज बता दिया कि सूर्य देवता का जो रथ है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार से चक्कर काटता है और कौन कौन उनके साथ, उनके रथ के साथ चलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।